हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल का रिन्यूअल प्रोसेस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमें जाना है महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल डॉट ओ आर जी के वेबसाइट पे। तो यहाँ पे राइट साइड में देखने को मिलेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट, ये सब चीज़ें। तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन लॉग इन, उसके बाद ये ऐसा कुछ ओपन होने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, अगर आपको यूआईडी मालूम नहीं रहेगा तो यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे लॉग इन करूँगा। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे लॉग इन आईडी यहाँ पे डालना है, पासवर्ड, पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा डालना है, लॉग इन कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ आप देख सकते हो अदर एप्लीकेशन लिंक, रिन्यूअल प्रोसेस, ओल्ड रिन्यूअल स्लिप। तो यहाँ पे डायरेक्टली ब्लिंक जो हो रहा है उस पर क्लिक करना है, रिन्यूअल प्रोसेस पे, प्रोफाइल पे। उसके बाद आप यहाँ पे तीन ही ऑप्शन है, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और रिन्यूअल लिंक। तो यहाँ पे वन बाय वन हमें ये फिलअप कर देना है। तो पहले पहले जो है क्वालिफिकेशन फिल कर देंगे। हैव यू कम्प्लीटेड हायर एजुकेशन? नो, सबमिट। अगर है तो सबमिट करो, अपलोड करो। यहाँ पे हमें नेशनैलिटी सिलेक्ट करना है, कास्ट सिलेक्ट करना है, रिलीजन सिलेक्ट करना है। जो स्टार मार्क है वो मैंडेटरी है। उसके बाद प्रेजेंट वर्किंग में जो है हमें डालना है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, हमारा नर्सिंग सर्विसेज। उसके बाद आएगा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट है और आर्म्ड फोर्सेस, ये सब ऑप्शन है यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम, यहाँ पे आपको करंट एम्प्लॉयमेंट का नाम डालना है। ओके, उसके बाद जो है आपका जो डिपार्टमेंट है वो डालना है, यूनिट का स्पेशलिटी अगर कोई भी रहेगा, ओटी या तो फिर आईसीयू या भी कोई भी रहेगा यहाँ पे मेंशन कर दो। मेरे लिए मेडिसिन है तो फिर मैं अदर पे सेलेक्ट करूँगा और उसके यहाँ पे मैं मैन्युअली लिख दूँगा मेडिकल यूनिट। नेक्स्ट जो है हमें जाना है यहाँ पे प्रेजेंट डेजिग्नेशन क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे डेजिग्नेशन हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा स्टाफ नर्स। ओके, स्टाफ नर्स। जो स्टार्ट डेट है वो यहाँ पे डालना है, कौन से डेट से हमारा जो डेजिग्नेशन। अपॉइंटमेंट डेट डालना है यहाँ पे। सेव चेंजेस कर देना है। सेव चेंजेस करने के बाद यहाँ पे ओके, रिन्यूअल लिंक। उसके बाद रिन्यूअल लिंक के बाद अप्लाई कर देना है यहाँ पे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे प्रीवियसली एम्प्लॉयड इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल नेम। पहले जो हॉस्पिटल का नाम था या फिर इंस्टीट्यूट का नाम था वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। और यहाँ पे डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर देना, स्टाफ नर्स। बाकी सब चीज़ें चेक कर लो एक बार, उसके बाद सेव चेंजेस कर देना है। सेव चेंजेस करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है अप्लाई डेट, तो इसको सिर्फ कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पे नाउ ऑप्शन। तो यहाँ पे नाउ पे क्लिक करो। आपको सजेशन एक दूंगा, अगर आप कार्ड से करते हो तो 2-3 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे बस, अदरवाइज आपको 223 पे करना पड़ेगा।
उसके बाद सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद आप वापस लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद रिन्यूअल प्रोफाइल पे वापस चले जाना है और यहाँ पे डाउनलोड रिन्यूअल स्लिप पे क्लिक कर देना है। तो ये था आज का वीडियो। महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल का रिन्यूअल प्रोसेस नया है, बहुत इजी है और CNE मैंडेटरी है। एटलीस्ट 10 तो होना चाहिए CNE, तो ये आप रिन्यूअल कर सकते हो। बाकी जो है आपको मैं आने वाली वीडियोस में अपडेट देता रहूँगा। चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।